मित्रों, मैं विनोद कश्यप, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनबाउंड इंडिया में। मैं इस समय अयोध्या में हूं और अयोध्या की ये सप्त सागर कॉलोनी में है, जहां पर ज्योतिष भवन है। और ज्योतिष भवन में यहां पर मौजूद हूं और मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य, देश के जाने माने ज्योतिष के जो मर्मज्ञ ज्ञाता हैं, वो मेरे साथ में हैं और हम आपके साथ बातचीत करेंगे। आपका परिचय मैं करा देता हूँ। आप पंडित राकेश तिवारी जी हैं। राकेश तिवारी जी, आपका मेरे चैनल अनबाउंड इंडिया में स्वागत है और बहुत धन्यवाद। कुछ बात करेंगे ज्योतिष की, कुछ बात करेंगे अयोध्या की और कुछ बात करेंगे राम जन्मभूमि की। और हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से ये समझाना चाहेंगे कि बीते समय में अयोध्या में क्या क्या चीजें हुई हैं, आंदोलन किस तरीके से चला है, आपका उसमें किस तरीके का योगदान था। इसके साथ साथ अयोध्या को ज्योतिष की नजर से भी हम देखने की कोशिश करेंगे, आपका उसमें रहा होगा। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है, बहुत 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 धन्यवाद जी। तो राकेश जी, मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी आपका जन्म कहाँ हुआ और शुरुआत के जो बचपन के जो जो दिन थे वो किस तरीके के थे, माँ बाप और उसके बारे में परिवार का थोड़ा सा। गोंडा में हमारा जन्म हुआ। मैं अपने माँ बाप का अकेला था और हमारे घर के बगल झाली धाम सिद्धपीठ है, जो उत्तर प्रदेश का पर्यटन स्थल है और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ एशिया प्रसिद्ध शिवलिंग है। मंदिर पर कामधेनु आज मौजूद है हमारे आश्रम पे। मैं 12 साल की अवस्था पे वहाँ चला गया और अपने जो वर्तमान में गुरुजी हमारे हैं उनसे मैंने दीक्षा लिया और झाड़ी धाम में रहने लगा। वहाँ से हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, ज्योतिषाचार्य और साहित्याचार्य तो डिग्री मुझे प्राप्त हुई और मैं 2002 में अयोध्या आया और राम बल्लभा कुंज में, चूंकि हमारे झाड़ीधाम महाराज जी के गुरु स्थान है, वहां रुके रहे। फिर ठाकुर जी कृपा हुई। झाड़ीधाम में जो मेरे ज्योतिष के गुरु जी हैं, जिनका चित्र सामने लगा हुआ है, पंडित रामरंग पांडे, वो हमारे यहाँ झाड़ीधाम में संस्कृत विद्यालय है, महाविद्यालय है, उस विद्यालय में वो पढ़ाते थे, रुकता थे और उनके पास हम बैठते थे। दो चार बातें उन्होंने ऐसी बताई कि जो उसके पर आकर्षण हुआ। दूसरी बात यह है कि जिसके लग्न में बृहस्पति उच्च का होगा वो भाग्य विधाता होगा, ज्योतिष का प्रेमी होगा। ज्योतिष बृहस्पति के बल से ही आदमी ज्योतिष में उसका लगाव होता है और मेरे स्वयं कुंडली में ज्योतिष का ही भाव था कि लग्न में बृहस्पति उच्च का अच्छा है, इसलिए ठाकुर जी की कृपा हुई और ज्योतिष में शुरू से लगाव हुआ और मैं बचपन से ही ज्योतिष पढ़ रहा था और लगभग 90-90 से ज्योतिष कार्य में कुंडली बनाने का कार्य कर रहा था जी। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो है पहले से ही तय था कि ज्योतिष की तरफ आपको जाना है, ठीक है। अयोध्या का प्रभाव आपके ऊपर कब पड़ा? अयोध्या तो पूरे भारत के जनमानस का एक धड़कन है, दिल है, क्योंकि भगवान राम के प्रति पूरे विश्व की आस्था है जी। राम जी के आदर्श पर आज भी भारत की 70% से अधिक जनता उनको मानती है, चलती है, उनका अनुसरण करती है। और मैं झाड़ीधाम वैष्णव संप्रदाय, रामानंद जी महाराज के संप्रदाय से हुआ हूँ तो, और वैष्णव का अयोध्या सबसे बड़ा सिरमौर तीर्थ है, इसलिए अयोध्या के ऊपर तो आकर्षण होना ही होना स्वाभाविक था, स्वाभाविक था। अयोध्या को अगर आप संक्षिप्त में छोटे शब्दों में आप उसको कहीं से रेफरेंस लेके भी बता सकते हैं, मंत्र हो या कुछ, उसका कैसे आप बताएंगे कि बिल्कुल छोटे शब्दों में
कि अयोध्या आपके लिए और भारत के लोगों के लिए क्या है? तो भगवान राम ने स्वयं अपने मुख से कहा कि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुखरासी। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो किस जाति का हो, उन्होंने ये नहीं कहा किस वर्ण का हो, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, जो अयोध्या में वास करता है वो मुझे अति प्रिय है। तो इतनी सिंपल परिभाषा तुलसीदास ने लिखी है, आज अगर हम देखें उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना विवादों में क्यों बता दिया? ये तो बहुत सरल, ये तो केवल अज्ञानता बस, मूर्खता बस, जिसको ज्ञान नहीं है वो कह रहा है। गोस्वामी जी से और रामचरितमानस ज्यादा सार्वजनिक और हर जाति हर वर्ण के लोगों का जितना प्यार दिया गया है किसी ग्रंथ में है ही नहीं। उसमें लिखा सब नर कर ही परस्पर प्रीति और चरण सुधरम सुनी थी। ये बात नहीं समझ में आई लोगों को, मूर्ख है वो जो कहते हैं। तो भगवान अपने मुख से क्या कह रहे हैं कि अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, ने कहा कि किस जाति का हो। दूसरी बात फिर लिखा है कि चारि खान जग जीव अपारा और अवध तजे तन नहीं संसारा। आप बोलिए, अंडज पिंडज स्वेज उद्दज सभी जातियों को लिखा। ये तो लिखा कि केवल ब्रह्म मुक्ति होगी या मनुष्य को मुक्ति मिलेगी, लिखा बिल्कुल कहीं स्पष्ट नहीं है ये। नहीं, जब चार खान जगजी हुए पारा तो इसके अलावा पांचवा तो कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं। और जो भी यहाँ मरेगा उसको मुक्ति मिलेगी। आप ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष की नजर में अयोध्या को आप कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे समझाएंगे कि ज्योतिष की नजर में अयोध्या क्या है? देखिए, अयोध्या और ज्योतिष ये दोनों सनातन है, पुरातन है, सनातन है, पुरातन है, शाश्वत है, सतत है और निरंतर है। अयोध्या इस पृथ्वी की, इस विश्व की प्रथम राजधानी है। तो आचार्य जी, वापस मैं अपने प्रश्नों पर आता हूं। मैं अभी आपने अयोध्या को और ज्योतिष के साथ जो उसका संबंध है उसको करके बताया। धार्मिक दृष्टि से अगर इस देश के लोगों की धड़कन या उसकी जो सोच है उसको लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है अयोध्या को लेकर क्या कहती है कि धर्म के हिसाब से अयोध्या का आपके तरफ से जो आकलन है वो किस तरीके से होगा, बहुत ही संक्षिप्त में? देखिए, अयोध्या सिद्धि प्राप्त करने का स्थान है। भगवान राम ने रामचरितमानस में अपने मुंह से कहा कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश महे सरजू पावन। स्कंद पुराण में लिखा है कि अगर सरजू एक निमिष, उसको लोग कविता में गाते हैं कि कोटि कल्प काशी बसे मथुरा बसे हजार, और एक निमिष सरजू बसे, कहिए तुलसीदास जितना फल वहां हजारों जन्म लेने पर होता है उतना यहाँ एक निमिष होता है। उसका प्रमाण फिर हम दे रहे हैं रामचरितमानस से। प्रयागराज को जब राजा बनाया गया, गंगा जी को यह वरदान मिल गया कि प्रयागराज में जो स्नान करेगा वो पाप से मुक्त हो जाएगा, तो गंगा जी वो दुखी। गंगा जी ने कहा कि आखिर जब संसार का पाप हम धोएंगे तो मेरा पाप कहाँ जाएगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप राम नवमी के दिन सरजू स्नान करोगे तो तुम्हारा पाप समाप्त हो जाएगा। तो पूरा साल पाप होते हैं और नवमी के दिन आते हैं काले होकर, कौवा का स्वरूप उनका होता है। स्नान करने के बाद वो बगुला बन जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इसका चौपाई से उसे मानेंगे नहीं। कि जहि दिन राम जन्म श्रुति गावे और तीर्थ तहां सकल चली आवे। रामचरितमानस के
भगवान के जन्म के समय लिखा गया कि जय दिन राम जन्म सुति गावे, यानी वेद कहता है रामनवमी हुआ तो राम नवमी के दिन पूरे संसार के तीर्थ ध्याते हैं। और उस दिन लिखा है कि सरजू जी का जल जो है बहाई सरिता अमृत धारा, अमृत बहता है। और आप कभी भी देख लीजिए नवमी के दिन ध्यान से जल देखिए कि जितना निर्मल जल होता है और बिल्कुल भगवान के रंग का कृष्ण वर्ण हो जाता है। आपको ध्यान से देखिए सामान्य जल से वो अलग हो जाता है। इसलिए अयोध्या शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, पद्म पुराण कहता है, स्कंद पुराण कहता है कि अयोध्या पृथ्वी के सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। अब अगर हम पूरे इस राम को अगर देखें और पीछे कुछ शताब्दियों की अगर हम घटनाओं को देखें तो अयोध्या ने राम के ऊपर, अयोध्या के ऊपर, अयोध्या के लोगों के ऊपर और अयोध्या का जो एक अपना वैभव था इसके ऊपर लगातार हमलों को देखा है, झेला है और उसके बाद की कहानी इतिहास में दर्ज है, सब जानते हैं। अयोध्या आंदोलन जब इस देश में शुरू हुआ, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अयोध्या आंदोलन के साथ आप किस तरह से जुड़े, बिल्कुल छोटे शब्दों में। अयोध्या जब 84-85 में सबसे पहले शिला पूजन हुआ तो मैं रुपये डी का प्रभारी था और पूरे रुपये डी में शिला पूजन करवाया और उसके साथ चले। जब 90 में अडवाणी जी की गिरफ्तारी बिहार में हुई उस समय यहाँ गिरफ्तारी होने लगी, लगभग 50 बच्चों को मैं जवान था लेकर और चले अयोध्या की तरफ। पुलिस ने गिरफ्तार किया, गोंडा जेल में लगभग 1.5-2 महीना हम गोंडा जेल में थे। फिर छूटने के बाद अयोध्या में कई बार धरना प्रदर्शन के लिए हम आए, एक रात यहाँ भी बंद हुए, पुलिस ने बंद किया। उसके बाद जब 6 दिसंबर को ढांचा गिरा उसमें हम लोग काफी सक्रिय थे। 6 दिसंबर को ही रात में 11 बजे पुलिस ने छापा मार करके मुझे गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया और लगभग अब याद है 1 हफ्ता 10 दिन जेल में थे। और उसमें ये 1990 का जो सत्याग्रह आप जो कर रहे थे उसमें आपकी गिरफ्तारी कितने दिन की हुई थी और कहाँ हुई थी? खरगपुर से हम लोग चले, खरगपुर 50 लोगों लेकर चले अयोध्या की तरफ। और वही जैसे थाने मतलब कुछ दूर आगे गए, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और हमने जेल भेज दिया। कितने? लगभग 1.5 महीना थे जेल, 1.5 महीना के करीब गोंडा जेल में थे। अच्छा 1.5 महीना, 40 दिन या 42 दिन ऐसे कुछ था, याद नहीं है कन्फर्म, 1 महीने 1-2 के बीच में थी जेल। अच्छा, तो जिस समय आप गिरफ्तार हुए और अयोध्या आंदोलन की जो एक मशाल है उसको आप लेके जब आगे चल रहे थे, आपकी अवस्था भी उस समय युवा ही थी। हमारे साथ सूर्यभान जी जो राज्यपाल उत्तर प्रदेश के हुए, वो जेल में थे। अच्छा, वो आपके साथ? हमारे साथ जेल में थे सूर्यभान जी। तो ये मुझे बताइए कि 1990 में जब आप जेल में थे, आप और आपके साथी, आपको अंदाजा था कि आंदोलन की तीव्रता कहाँ तक जाएगी और उसकी परिणति क्या होगी? देखिए उस समय केवल एक ही दिखाई देता था, राम मंदिर। न मरने की चिंता थी, जवानी थी और न कुछ चिंता थी, केवल राम मंदिर दिखाई देता था। हम लोग रात रात आदमी रोए, एक आवाज में 1500 आदमी आए थे। अरवानी जी वहां जेल से छुटे और यहाँ जो है अयोध्या सरजू तट पर सभा किए। उस सभा में आप समझिए कि हमारे जिम्मे खरगपुर क्षेत्र की जनता थी। उस समय गाड़ी घोड़ा था नहीं, हम करीब 6 DCM वो कैंटर जो होता नहीं है वो किए थे। लेकिन रात में 3 बजे भगनापुरा कैंटर 6 थे और आदमी हो गए 20 कैंटर के, इतने लोग उत्साह थी, इतना उत्साह था। और लाए, बैठक हुई और फिर जो है जब ढांचा गिरा, ढांचा वो कलंक समाप्त हुआ, उस समय हमको पुलिस ने गिरफ्तार किया। कलंक आपने कहा, ये किस तरह से कलंक है? जेल से छूटने के बाद हम तुरंत अयोध्या फिर आए और 3-4 दिन अयोध्या रहे और जो भी कार्य सहयोग जिला अस्पताल में भर्ती थे गोंडा, उनको जो भी सेवा हो सका, हम 5-7 लोग आए थे, सबकी सेवा किए, यहाँ रहे जेल छूटने के बाद भी। और वो मुकदमा 6-7 साल मुकदमा रहे हैं,
सब लिखावली में है, और जो कलंक कहा, कलंक यह था आज भी गवर्नमेंट ने, अब भाई हम कैसे गवर्नमेंट ने गलत किया है, लेकिन मेरे समझ से गलत किया है, वो माने या ना माने, मुसलमान के जो 6-7 शासक हुए आज तक विरोध किसी का नहीं है, लेकिन बाबर का नाम ही एक कलंक का नाम है भाई। जहांगीर को लोग इंसाफी मानते, आज भी जहां वो महाराज जाता है कि जहांगीर के मुकाबले कोई कोई इंसाफी नहीं था, अकबर के मुकाबले कोई सियासी नहीं था, तो ना अकबर का विरोध है, ना हुमायूं का विरोध है, और ना जहांगीर का विरोध, कहीं भी सुना में बोलो भाई। हमारा तो सनातन धर्म जो है कि हमने रहीम को अपनाया, हमने रसखान को अपनाया, हमने रविदास को अपनाया, अपनाया तो हमने बाबर को भी है, नहीं बाबर को अपनाया नहीं, बाबर तो भाई से भाई बस। देखिए बाबर का नाम भारत में कदई नहीं, वो कलंक का निशानी है। बाबर के नाम से मस्जिद, बाबर के नाम से रोड, बाबर के नाम से कुछ भी नहीं होना। आप मुझे बताइए कि बाबर के नाम पर तो इतने समय तक अदालत में क्या कहते हैं लड़ाइयां लड़ी हैं लोगों ने उसके नाम की जो वो है बनाए रखने के लिए। तुम गलत किया भाई, उस तो विरोध कर रहे हैं कि मेरे समझ से वो हिंदू मुसलमान दोनों को लड़ाने काम किया, और जो सुकून न दे सके, जो धर्म या जो व्यक्ति या जो राजा अमर की जिंदगी कायम न रख सके, ऐसे राजा का नाम समाप्त कर देना चाहिए। और उसने अगर बाबरी मस्जिद न बनाया होता, या ज्ञान बापी मंदिर को न तोड़ा होता, या मथुरा तोड़ा होता, या हमारे यहाँ स्वयं जहाँ निवास करता हूँ वहां भी एक मंदिर को तोड़ करके, जो हमारा पंचारण क्षेत्र है महाभारत का, 5 मंदिर शिवलिंग का, जो एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है, 4 है को तोड़ दिया था बाबर ने, खत्म कर दिया, आज भी मेरे यहाँ मौजूद है। तू ये न किया होता तो आज शायद हिंदू मुसलमान का जो ये टकराहट है ये न होता, और ये जब तक बाबर का नाम रहेगा तब तक टकराहट नहीं मिलेगी, नहीं मिटेगी। अगर बाबर का नाम मिट जाए तो टकराहट शायद खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि अदालत में जिस तरीके से बाबर के लिए जो लड़ाइयां लड़ी गई हैं, और क्या उनको ये पता नहीं था कि बाबर का इतिहास अयोध्या में किस तरीके से रहा है, और क्या ये उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो वो लड़ाई जिसके लिए लड़ रहे हैं अदालत के सामने, जजों के टेबल के सामने, वो सारे की सारी चीजें ध्वस्त हो जाएंगी, इसका अंदाजा नहीं था? शराब पीना गलत है कि सही है? पीते तो हैं। नहीं, शराब पीना गलत है? हाँ गलत तो है। शराब के बोतल पर क्या लिखा है? तंबाकू के पुड़िया पर लिखा है कि तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन लोग कितना प्रेम से खाते हैं, ना पाओ दो जहर खा ले। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, एक तरफ सरकार ने मद निषेध बनाया है और एक तरफ अबकारी बनाया, प्रचार करो बेचो, अरे उसका कमाई हो रही है, कमाई होती है। जब ये सारी की सारी चीजें और अदालत में सब चीजें ध्वस्त हो गई और अदालत का फैसला भी आ गया, इसके बाद क्या ये पक्षकार जो हैं और ये जो वर्ग है जो कि बाबर को अपने कंधे पर उठाए घूमता है, क्या ये देश के जनता को, देश के मुसलमानों को ये बता पाएगा कि सच क्या है? ये साहस है? देखिए, अगर साहस करता है जो तो वो अब्दुल कलाम बन जाता है, जो साहस किया वो अब्दुल कलाम बन गया। वो तो कह रहे अलग नहीं, अरे भाई है? अच्छा छोड़ दीजिए, जो आपके राज्यपाल आरिफ साहब हैं केरला के, वो हमारे यहाँ से 3 बार सांसद रहे हैं, हैं कांग्रेस के रहे हैं, लेकिन उनका व्यवहार, उनका सम्मान, उनका संबंध, वो जो श्लोक बोलते हैं जानते हैं। तो जो साहस करेगा जी, राकेश जी, देश जो जानना चाहता है और आपसे हम जो जानना चाहते हैं वो ये है कि अब्दुल कलाम या आरिफ साहब की जो बातें हैं, मुसलमान क्या समझ रहा है, क्या उसको ये पता है कि ये लोग ये क्या बोल रहे हैं? क्या बिल्कुल पता है, बिल्कुल तो कोई नहीं। तो वो क्या कहा कि शराब जानते हैं गलत है लेकिन पीते हैं। अब एक बात मुझे बताइए, एक ज्योतिष आचार्य होने के नाते क्या आपकी जो गणना है, ज्योतिष गणना, क्या वो ये कह रही थी पहले से 6 दिसंबर से पहले या 6 दिसंबर के बाद से लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने तक,
क्या आपकी गणना ये इशारा कर रही थी कि अदालत जो है फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में देगा? बिल्कुल, वो तो आप जिसे फैसला आया है हाँ उसके 2 महीना पहले हिंदुस्तान अखबार में हमारा इंटरव्यू आप छपा होगा, देख लीजिए, तारीख मुझे याद नहीं है, हाँ हमने पूछा था, हमने कहा बिल्कुल निश्चित रूप से फैसला आएगा। काल काल गणना क्या कह रही थी, ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे थे? हाँ देखिए, ग्रह नक्षत्र अगर न होता, ग्रह नक्षत्र के ही अनुरूप और दूसरा प्रकृति के अनुरूप, जैसे गेहूं आप खेत में डाल दीजिए बीज, चाहे जितना आधुनिकता खाद डाल दीजिए, तो क्या वो तुरंत बाली देगा? वो समय आने पर ही फल देगा, आम समय आने पर ही फल देगा। तो उसी प्रकार से यह तपस्या का या पंच महाभूत का या ग्रहों का फल ही है कि आज मंदिर बन रहा है, और हो सकता है कि हम या आप देखें या न देखें, लेकिन यह भी गणना कह रही है कि भारत हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। ठीक है, अब यह मैं मुझे आज घोषणा कर दे रहा हूं कि बिल्कुल, बनेगा, हाँ क्योंकि बिल्कुल यह जो है बनना भी चाहिए। बनेगा। अच्छा, एक बात मैं ये जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, आप बताइए कि भारत के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा मैं, अयोध्या में रहने वाले जो मुसलमान हैं, क्या आपके संपर्क में हैं या आपको ऐसी जानकारी है कि उन्होंने किसी भी तरीके से अपने अंदर ये स्थिति पैदा कर ली है कि अब राम जन्मभूमि बननी चाहिए, अब किसी तरीके का कोई विवाद नहीं? अगर वो चाहते हाँ तो किसी ने कोई आवाज नहीं उठाया, किसी ने विवाद नहीं किया। और अयोध्या के मुसलमान हमेशा अमन चाहते थे, क्योंकि वो यही बल पर जिंदा हैं, यही की रोटी खाते हैं। भाई 90% मुसलमान व्यापारी है, कपास देता है, रिक्शा चलाता है, दुकान करता है। हनुमान गढ़ी के पास कम से कम 50 दुकानें 40 दुकानें मुसलमानों की हैं, और सब बेचते हैं। तो जब अयोध्या में विकास होगा, लोग आएंगे, उनको लाभ मिलेगा, तो अयोध्या का मुसलमान कभी नहीं जाता था। जो मुसलमान कट्टरपंथी या उग्रवादी टाइप के हैं, चाहे अयोध्या के उत्पाती टाइप के, उत्पाती, हाँ वो चाहे बाहर के हो, उत्पात करते थे, अब वो कम परसेंट में है। ऐसा नहीं है कि 100% मुसलमान उग्रवादी हो या 100% मुसलमान गलत हो। जी। अब यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मंदिर भी अब सामने है और मंदिर के अंदर विग्रह रामलला की जो है वो भी, शुरुआती दौर में अभी तो विग्रह देखा नहीं है, रामलला की मूर्ति या उनका मुख किस तरीके से होगा, आपकी कल्पना में क्या है, बिल्कुल छोटे इसमें बताइए कि देखिए, कैसे दिखेंगे? राम जी की वो तो खैर अंतरराष्ट्रीय मंदिर है। आप कहीं भी मंदिर चले जाइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरे आश्रम पे 3 दिन से हैं, मुझे लग रहा है कि न लहसुन है, न प्याज है, न मिर्चा है, न सरसों का तेल है, एकदम सादा भोजन आप करते हैं। लेकिन ईमानदारी बता दीजिए कि उस भोजन में आपको आनंद आता है कि नहीं आता है? आनंद नहीं, दिव्य आनंद कही। दिमाग आता है क्यों? उसमें तुलसा तल पड़ जाता है, भगवान का भोग लग अच्छा। जाता है, वो प्रसाद हो जाता है, इसलिए वो अमृत हो जाता है। तो जब भगवान तेज जो आता है वो पत्थर से नहीं होता है, तेज कि भाई बहुत अच्छा पत्थर आया है, तेज होता है प्राण प्रतिष्ठा और पूजा से। वही विग्रह, वही मूर्ति जब दुकान पर होती है तब लोग दाम पूछते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं, और जब मंदिर में जाती है तो साक्षात दंडवत करते हैं। तो यहाँ तो निश्चित रूप से भगवान की मूर्ति जागृत और दिव्य देदीप्तमान रहेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है, एकदम इतने करोड़ों लोगों की आस्थाएं और बस। लंबा संघर्ष के बाद अब मैं आखिरी आपसे प्रश्न ये जानना चाहूंगा कि अयोध्या का मंदिर और विग्रह हमारे सामने होगा, आगे आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, क्या ये जो मंदिर है, ये जो आंदोलन का जो एक विराट स्वरूप है, क्या ये आगे आने वाली पीढ़ियों को कोई दिशा निर्देश या नेतृत्व करेगा या एक राजनीतिक जगह बन के रह जाएगा? अब भी देखा जाए, अगर इसे राजनीति से जो, हम तो यही निवेदन करेंगे पूरे संसार से, ट्रस्ट से, संसार से, कि भगवान से भी करेंगे, कि देखो मंदिर को राजनीति से रजवा जाए। जिस दिन मंदिर में राजनीति शुरू हो जाएगी उस दिन भगवान स्वतः चले जाएंगे।
तो दर्शकों, ये अभी आचार्य जी के साथ हमने जो चर्चा की और इस पूरे के पूरे प्रकरण को ज्योतिष के नज़र से, ज्योतिष आचार्य की नज़र से हमने देखा, ये बात बहुत अच्छी है कि अयोध्या को अयोध्या ही रहने दिया जाए, वही ज़्यादा ठीक है। देश इस बात की, पूरी दुनिया इस बात का इंतजार करेगी कि तमाम डेवलपमेंट के बाद अयोध्या क्या वो धार्मिक अपनी जगह बना के रख पाएगी कि नहीं रख पाएगी, ये चुनौती भी है। और हम ईश्वर को, अपने इष्ट को साक्षात रूप में देखेंगे भी। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। अगली किसी मतलब अयोध्या को अयोध्या रह जाए, लंका न बनाया जाए, शस्त्र की नगरी, हाँ शस्त्र की नहीं, शास्त्र की, शास्त्र की रहने दिया जाए, और अयोध्या को माल की नगरी न बना के माला की नगरी ही रह दिया जाए। यहाँ जिसे माला जापक है वो रहे, माल न बने, क्योंकि जब माल बन जाएगा तब अयोध्या में लोग माल वाले आएंगे, और अयोध्या की शोभा गांव के गठरी से है, आस्थावान से है। बिल्कुल, गरीब गांव की जो माला लेके चलता है, स्मरण करके जो चलता करता है, उससे शोभा है। इसकी शोभा ये नहीं है कि यहाँ पीने माल नहीं होने, माल तो मुंबई में है ही है, माल तो मुंबई में है, बिल्कुल सही बात है, मुंबई रह दो, मुंबई रह बनाओ। बिल्कुल, इन शब्दों के साथ हम यहाँ पर विराम लेंगे और अगली किसी स्टोरी में या किसी व्यक्ति विशेष के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी और देखेंगे भारत को मेरी नजर से।